और आज मैं लेके आया हूँ जो आपकी क्लास 11th का अकाउंट का कोर्स चल रहा है, बेसिकली थ्योरी पोर्शन का ये लास्ट चैप्टर है। डीके गोयल में ये चैप्टर सेकंड में भी कुछ पॉइंट है और चैप्टर फोर में भी कुछ पॉइंट है, तो आज हम वो पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो आपको पूरी अकाउंट्स में कहीं ना कहीं नजर आएंगे और उनका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। तो एक एक करके सबका मीनिंग अच्छे से समझते चलना, और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। सबसे पहली बात, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जब हम कोई भी गुड्स को बेचते हैं, कोई भी सामान को सेल करते हैं, उसे सेल करने के बाद आपके पास जो पैसा आया वो आपका रेवेन्यू है। या फिर आपने किसी कस्टमर को कोई सर्विस दी, उसके बदले आपको उसने कोई इनकम दी, आपको जो पैसा मिला वो आपकी क्या है? रेवेन्यू है। जैसे रिसीप्ट ऑफ कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट, ये हमारा क्या है? रेवेन्यू कहलाता है। समझते चलना साथ साथ। उसके बाद आता है प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? हमने 50 रुपये खर्च करके कोई चीज बनाई थी और रेवेन्यू हुआ 100 रुपये, यानी कि बेचा कितने का? 100 रुपये का। तो कितने में ज्यादा बेचा? 50 रुपये ज्यादा में। तो ये हमारा 50 रुपये क्या है? ये 50 रुपये हमारा प्रॉफिट है। लेकिन जब हम कोई फिक्स एसेट्स को बेचते हैं या फिर हमने कोई लॉटरी प्राइज जीता, तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है? गेन कहलाता है। अब बात आ गई हमारी एसेट्स, वैसे तो मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स पर। फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स। एसेट्स मैंने क्या बताया था आपको? एसेट्स हमारी वो चीज होती है जो हमारी संपत्ति होती है, हमारा पैसा, हमारी कार, हमारी बिल्डिंग, हमारा मोबाइल, ये सब हमारी एसेट्स होती है। एसेट्स के भी कुछ पार्ट होते हैं। पहला है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो एक साल से ज्यादा चलती हैं। फिक्स एसेट नाम समझ में आ रहा है, जैसे बिल्डिंग है, कार है, फर्नीचर है, ये सारी वो एसेट्स हैं जो एक साल से ज्यादा चल जाएंगी, इसीलिए इनका नाम क्या है? फिक्स एसेट्स कहते हैं। और करेंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो आपकी एक साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे हमारे डेटर्स होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम डेटर्स क्या होते हैं। डेटर्स यानी कि आपने किसी को माल बेचा, वो आपको पैसा देगा, है ना? तो डेटर्स वगैरह, बिल्स रिसीवेबल, ये सब आगे आगे टर्म पढ़ेंगे। करंट एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती हैं। अब उसके बाद दो खर्चे होते हैं जो बहुत दिक्कत देते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, जिसे हम कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो बेटा, एक्सपेंस में और एक्सपेंडिचर में फर्क होता है, ये ध्यान रखना है। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस क्या होता है? आपने कोई गुड्स एंड सर्विस बनाई, उसे बनाने में पूरा जो खर्चा आया वो क्या है? हमारा एक्सपेंस है। लेकिन एक्सपेंडिचर आपका वो अमाउंट होता है जो आपकी कोई एसेट्स खरीदने में, एसेट्स को लाने में, गुड्स और सर्विस करने में जो खर्चा हुआ वो एक्सपेंडिचर, गुड्स को बनाने में जो खर्चा हुआ वो आपका एक्सपेंस। अब यहां पे हमारा, मैंने क्या बताया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में डेली जो आपके एक्टिविटी हो रही है, उन एक्टिविटी पर हर महीने या 10 दिन बाद जो खर्चा आपका होना ही होना है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसका बिजनेस से कोई लिंक नहीं है, लेकिन वो खर्चा एक बार हो गया तो हाल फिलहाल होना भी नहीं है। समझ में आ रही बात? यस, है ना? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? उस खर्चा को करने के बाद आपको कुछ ना कुछ इनकम मिलेगी, इसलिए वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आगे बढ़ते हैं उसके साथ साथ। देखो, एक्सपेंस मैंने समझा दिया, लॉस समझा दिया, बिजनेस ट्रांजेक्शन आपको पता ही है, कैपिटल मैंने बता दिया। कैपिटल क्या होती है हमारी? वो अमाउंट जो एक प्रोपराइटर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसे कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल को निकालने का भी फॉर्मूला होता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी कि बाहर की लायबिलिटी। ड्रॉइंग्स आपको पता ही है, ड्रॉइंग्स वो अमाउंट होता है जो विड्रॉ किया जाता है पर्सनल यूज के लिए।
लायबिलिटी जो पैसा हमें दूसरे का चुकाना है, एसेट्स बताई दिया, करंट एसेट बताई दिया। अगर आपसे पूछे दो एग्जांपल करंट एसेट्स क्या, तो कैश कह सकते हो, स्टॉक कह सकते हो, बैंक बैलेंस कह सकते हो। उसके बाद आती है हमारी टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती हैं जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, कार, फर्नीचर। इसी में आती है एक दूसरा टाइप की एसेट जिसे हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। इन एसेट्स को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील कर सकते हो। इसका एग्जांपल है गुडविल। गुडविल एक हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होती है। गुडविल का मतलब क्या होता है, जैसे हम आपने बिजनेस स्टार्ट किया, साल भर साल जैसे उसको टाइम होता जाएगा, मार्केट में उसकी एक इमेज बन रही है जिसको हम कहते हैं गुडविल, है ना। तो गुडविल हमारी एक इंटेंजिबल एसेट्स है। उसके बाद अलग एसेट्स आती है जिसे हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट हमारी कौन सी एसेट्स होती है, वो एसेट जो हम रियलाइज्ड नहीं कर सकते कैश में, यानी कि उसका हम कैश में बेनिफिट नहीं उठा सकते, लेकिन ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आती आती है। उसे हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट। जैसे कि मान लो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे फिक्टिशियस एसेट का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद लायबिलिटी में हमारी आती है करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो आपको एक साल के अंदर ही अंदर पेड करनी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एक साल से ज्यादा चल जाती है ना। अब करेंट लायबिलिटी समझ में आ गया। इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी जो आपके बिजनेस के अंदर वालों की है, और एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी कि बिजनेस के आउटसाइडर की है। एक्सपेंस समझ में आ गया, रेवेन्यू समझ में आ गया, है ना। अब क्या होता है, उसके बाद एक आता है बाउचर। बाउचर एक तरीके जनरल होता है जो सबूत होता है कि हाँ आप में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। जब भी दो पर्सन के बीच में कोई लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन होता है, तो वो एज अ प्रूफ उसमें रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम कहते हैं बाउचर, है ना। उसके बाद चीज आएंगे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, हाँ ये चीज बहुत जरूरी है। परचेज, देखो परचेज का मतलब क्या है, आपने कुछ खरीदा। बिजनेस में जब भी आप कुछ चीज खरीदते हो तो रीसेल करने के लिए खरीदते हो, इसलिए जब भी हम कुछ चीज परचेज करेंगे और अगर वो गुड्स है यानी कि सामान है, तो उसे हम गुड्स लिखते हैं, ना कि परचेज। आगे हम जब जनरल करेंगे तो वहां पर परचेज शो नहीं करेंगे, गुड्स शो करेंगे। ऐसे ही सेल्स, सेल यानी कि आपने वो माल बेचा, जब भी बेचेंगे तो वहां पर हम सेल्स लगाएंगे गुड्स की जगह, है ना। परचेज हम करते हैं कोई भी सामान, लेकिन जब भी रीसेल के लिए करेंगे तो उस सामान को हम गुड्स में। उसके बाद प्रॉफिट हो गया आपका, इनकम हो गया, एसेट्स हो गई। हाँ, और कुछ नहीं बचा इसमें टर्म, और भी कोई टर्म बचता है तो हम देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपका आने वाला है न्यूमेरिकल पोर्शन। ये आपका थ्योरी की बात हो गई, अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। जिस चैप्टर का नाम रहेगा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, तो अब आपको न्यूमेरिकल करेंगे, मजा आने वाला है। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, अभी तक जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए बेटा ज्वाइन हो जाना, 9690105047। व्हाट्सएप पे आने की बेटा मेरी तीन टाइमिंग है, एक 11 बजे, एक 3 बजे और एक 9 बजे। अपने डाउट्स